बिहार में पूरी तरीके से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है जंगल राज की पराकाष्ठा है। आज इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष के पिता की हत्या स्तब्ध करने वाली है, इसका मतलब पुलिस तो वहां है ही नहीं, इसका मतलब वहां लॉलेसनेस है, इसका मतलब वहां पर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। 15-15 दिन में 15-15 पुल गिर रहे हैं, लोगों की हत्या दिन दहाड़े हो जा रही है, अपहरण दिन दहाड़े हो जा रहे हैं। क्या यही भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है या ये भारतीय जनता पार्टी का जंगल राज है? इस पर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बोलेगा कुछ या इसको जंगल राज कहेगा? अगर नहीं कहेगा तो भारतीय जनता पार्टी वाले झूठे हैं, कपटी हैं और छल करने वाले लोग हैं। जीतन साहनी साहब के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और मुकेश साहनी जी के परिवार को मेरी संवेदनाएं। ये जघन्य अपराध है, चाहे एक आम आदमी की हत्या हो, चाहे वो मासूमों की हत्या हो, चाहे वीआईपी के मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हो, ये जघन्य अपराध है और इस अपराध को बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, बिहार की पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। 72 घंटों के अंदर इसका उद्बोधन किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लगातार आपराधिक घटना हो रहे हैं, अब तो राजनेताओं के भी पिता के। देखिए ऐसा है कि सभ्य समाज में अपराध को आप रोक नहीं सकते हैं, चाहे भले कितने सक्षम हो जाएं। उदाहरण तो अमेरिका है, ट्रंप है, उन पे हमला हो गया, अमेरिका से सर्वशक्तिमान तो कोई है नहीं, लेकिन उद्बोधन हुआ, हमलावर को मार गिराया गया, इसको कहते हैं अंकुश। तो राज्य सरकार अंकुश लगाना जानती है, इसलिए बिहार में कानून का शासन कहा जाता है। और मैं आपको कह देता हूँ, इसको गंभीरता से लेते हुए बिहार पुलिस 72 घंटे के अंदर इसका उद्बोधन कर देगी। लेकिन अजय जी, अपोजिशन फिर लगातार सवाल। अरे कौन अपोजिशन, कौन अपोजिशन? राष्ट्रीय जंगल दल को आप अपोजिशन कहते हैं? वहां हत्या की काउंटिंग भी होती थी, FIR तक लिखा जाता था। सरकार क्या होती है उनको समझ में आता भी है? या जितने अपराधी तत्वों का मनोबल बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि ये लोग कुछ दिन सरकार में रह गए, अब इनका मनोबल तोड़ देंगे। तो आप कह रहे हैं कि जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं वो RJD के द्वारा ही करवाया जा रहा है? देखिए मैं अभी कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, ना ही किसी को दोषारोपण दे रहा हूं। पुलिस अपना अनुसंधान कर रही है, करने दीजिए, 72 घंटे के अंदर रिजल्ट सामने आ जाएगा। देखिए ये राजनीति का विषय नहीं है। मुकेश सहनी बिहार के एक राजनीतिक नेता है, अगर उनके पिता की हत्या हुई है ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है, जैसा कि मुझे बताया गया है। मैंने भी जब जानकारी ली तो मुझे बताया गया है सरकार गंभीर होकर के अपराधियों को नहीं पकड़ने का संकल्पित है। आज सुबह बिहार से एक अत्यंत ही दुखद और मर्माहत करने वाला खबर सामने आया है। दरभंगा में श्री मुकेश सहनी जी, जो बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई है। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं, लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है और ये जंगल राज का राग अलापने वाले BJP के लोग और NDA के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार और दूसरा इंजन अपराध की ओर है। ये बहुत ही अत्यंत ही दुखद खबर है और मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ हमारी पार्टी, हम लोग सब लोग खड़े हैं इस दुख की घड़ी में।